जम्मू कश्मीर से सरकार द्वारा धारा 370 हटाने पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने सीटीवी से बातचीत की। जम्मू कश्मीर को अब तक विशेष राज्य का दर्जा हासिल था तथा वहां पर धारा 370 लागू की गई थी और अब सरकार द्वारा लिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय के चलते इस धारा को रद्द कर दिया गया है। इस अभूतपूर्व निर्णय का जहां एक तरफ विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि राजू अलोने ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहिर से बातचीत की तो उन्होंने इस संबंध में कहा, कल का जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बिल लाया है, संकल्प लाया था, वो पारित हुआ है। 370 कलम और 35 ए को खारिज करना एक साहसी और बड़ा निर्णय है, देशभक्ति का परिचय देने वाला है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था देश की जनता के साथ में कि हम देश की सुरक्षा, सीमा की रक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा कमिटमेंट है, उसी आधार पर काम हुआ है। कश्मीर देश का अविभाज्य अंग कहते कहते हमारा गला सूख जाता है, अब है भी, लेकिन जो 370 लगी थी पिछले, पाकिस्तान बहुत छेड़छाड़ करता था, आतंकी भेजा करता था, अभी इस निर्णय से वहाँ का आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी कम होगी, विकास बढ़ेगा और केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण वहाँ रहेगा। और इस तरीके से कश्मीर के विकास के लिए भी ठीक है, देश की अखंडता के लिए ठीक है। कश्मीर की मामले में पाकिस्तान की जुबान बंद हो जाएगी, हलचलें कम हो जाएगी, एक अच्छा निर्णय है। देश की जनता के लिए अपमानित करने वाली कलमे थी 370 और 35 से, देश का कोई नागरिक वहाँ जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता था, ये भी आप वहाँ पे रास्ता खुल गया है। और इसलिए भारत देश का अविभाज्य अंग जो कश्मीर है, देश का कोई भी नागरिक वहाँ जाएगा, रहेगा, काम करेगा, धंधा करेगा, इसका स्वागत हो रहा है, मैं भी स्वागत करता हूँ।